नमस्ते, रीताज पकवान में आपका स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की स्टू। इसके लिए मैं ली हूँ 4 कच्चा केला, जिसे मैं छील करके थोड़ा मोटे शेप में काटी हूँ। इसके लिए 2 बड़े बड़े प्याज लंबे लंबे करके काटी हूँ, 1 इंच अदरक चॉप करके रखी हूँ और 5-6 लहसुन की कलियाँ छोटे छोटे पीस करके काट रही हूँ। इसमें सारे मसाले मैं खड़ा डालूँगी, पीसना कुछ भी नहीं है। सौंफ और जीरा इसका छौंक लगाऊंगी। इस पर दालचीनी है, लौंग, दरदरा काली मिर्च 5-6 दाना और थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया जो दरदरा मैं कर ली हूँ, छोटे छोटे 3 मिर्ची लाल मिर्च ली हो जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँ, 2 तेज़पत्ता पाउडर, मसाला में सिर्फ हल्दी पाउडर और कलर होने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च और नमक। इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। आप चाहिए तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हैं। सबसे पहले इसमें मैं छौंक में डालूंगी 2 तेज़पत्ता, उसके बाद 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 0 थोड़ा, उसके बाद सौंफ, 1 कटे हुए लहसुन डाल दिए, लहसुन पहले भूनना, उसके बाद अदरक कटे हुए डाल देंगे, बहुत जल्दी बनकर सब्ज़ी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें मसाला कुछ भी नहीं पीसना, सब कुछ इसमें दरदरा और कटर लगाना, कलर चेंज होने तक प्याज को थोड़ा भूनना, मैं इसमें डाल दूँगी मिर्ची को भी प्याज के साथ ही भूनना। देखिए प्याज भुन गया तो गुलाबी कलर का हो गया। अब मैं इसमें केला डाल दूँ, कम 1 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, एक चम्मच नमक, नमक आप आवश्यकता अनुसार डालिएगा, अब इसको ढक करके आँच को मीडियम कर देंगे और उसको धीरे धीरे हल्का फ्लेम में उसको नरम कर देंगे। अब इसके 1-2 मिनट देखिए भून लिए, भून करके मैं इसको मीडियम आँच पर 2 मिनट के लिए फिर ढक करके रखो। देखिए 2-3 मिनट हो गया, अब इसमें तो पानी डाल दूँगी गिलास के करीब, इसमें ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, खाने में बहुत स्वादिष्ट और यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और कभी रोटी चपाती पराठा किसी भी चीज़ का साथ खा सकती है। बस 1 गिलास के करीब पानी डाल दें और इसको केला के पकने तक नरम होने तक बस इसको उबालना है, फिर थोड़ा देर के लिए ढक दूँ। देखिए ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ, अब सब्जी हो गया, केला देखिए अच्छे तरह से गल गए। अब मैं इसको चूल्हा को ऑफ करके आपको दिखा दे रही हूँ। अब देखिए मैं इसको निकाल कर दिखा दे रही हूँ, ये सब्जी एकदम बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये खाने में बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करके